दोस्तों स्वागत है आप सभी गैजेटेक पे। जनरली आईफोन्स लॉन्च होते हैं सितंबर के महीने में। जैसे जैसे सितंबर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आईफोन से जुड़े हुए लीक्स भी निकल के सामने आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 से जुड़ी हुई बेहद ही इंपॉर्टेंट और कंफर्म होने वाले लीक्स के बारे में। सो अगर आप चैनल पर नए हो और इस तरह के वीडियोस को डेली देखना पसंद करते हो तो प्लीज नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दो ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। दोस्तों बात करें अगर iPhone 13 के लीक्स की तो यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट लीक निकल के सामने आया वो आया है चार्जिंग को लेके। iPhone 13 का जो चार्जर होने वाला है वो होने वाला है 25 वॉट का। अगर आपको ध्यान हो तो iPhone 12 का जो चार्जर है वो है 20 वॉट का। और यहाँ पे एक बात याद दिला दूं कि आपको चार्जर बॉक्स में आज भी नहीं मिल रहा और आगे भी यानी कि iPhone 13 में भी नहीं मिलेगा, ये अलग से खरीदना पड़ेगा। तो अलग से अगर खरीदना पड़ेगा तो इसकी प्राइस क्या होगी? आज की तारीख में iPhone 12 के चार्जर की यानी कि जो 20 वॉट का चार्जर है उसकी कीमत है 1899 रुपए। तो यहाँ पे जो 25 वॉट का चार्जर होगा और आईफोन की जो रेपुटेशन है प्राइस को देखते हुए उसको अगर हम ध्यान में रखें तो इसकी प्राइसिंग 2000 से 2500 रुपए के बीच हो सकती है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 25 वॉट का जो चार्जर है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं करेगा चार्जिंग में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है जो आईफोन 13 होगा उसमें बैटरी ज्यादा दी जाएंगी क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़े से हेवी हो जाएंगे और दूसरा डिस्प्ले भी थोड़ा इंप्रूव होगा तो वहां बैटरी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अगर बैटरी कंजम्पशन बढ़ता है तो आपको बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी और ऐसे केस में 25 वॉट का चार्जर घूर फिर के वहीं पे आएगा जहां पे आज 20 वॉट का चार्जर है। ये पहली एक थ्योरी है। दूसरा, अगर आईफोन की बैटरी बढ़ती नहीं है मतलब आईफोन 12 बेस वेरिएंट में जो बैटरी है और आईफोन 13 बेस वेरिएंट में जो बैटरी रहेगी वो दोनों अगर सेम रहेगी तो वक्त और सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेशन के कारण आईफोन 13 ज्यादा तेजी से ड्रेन होगा तो ऐसे में आपको ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इंक्रीज हमें चार्जिंग टाइम में देखने को मिल सकता है ऐसे केस में, लेकिन बहुत ही बड़ा कोई सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चार्जर की वजह से तो मुझे नहीं लगता। दोस्तों ये तो थी लेटेस्ट लीक जो निकल के आई डायरेक्ट चाइना से। वहीं अगर मैं दूसरे लीक्स की बात करूं आईफोन 13 से रिलेटेड तो यहां पे काफी दिन पहले एक डिस्प्ले पैनल आप कह सकते हो लीक हुआ था। यहां पे फोटो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये जो पैनल से ये पिक्सल डिवाइस के हैं, बट नहीं, इसके बारे में बताया गया कि ये आने वाले आईफोन यानी कि आईफोन 13 के डिस्प्ले पैनल से। यहां पे आप गौर करोगे तो नॉच काफी छोटा है और जो कि इसमें नॉच दिया हुआ है तो ये एक तरफ और इशारा करता है कि यहां पे आपको फेस आईडी ही देखने को मिलेगा। टच आईडी जो बहुत लोग कह रहे थे वो नहीं मिलने वाला है आईफोन 13 में। दोस्तों सबसे बड़ा जो इंप्रूवमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है प्रोसेसर के मामले में। यहाँ पे A14 बायोनिक आज की तारीख में आईफोन्स में यूज किया जा रहा है, आईफोन 13 में A15 बायोनिक यूज किया जाएगा और आईफोन 13 कई गुना पावरफुल हो सकता है मौजूदा जनरेशन प्रोसेसर के मुकाबले। इसी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ एक अपडेट और है यहाँ पे। आईफोन 13 में हमें देखने को मिल सकता है 1 TB तक का इंटरनल स्टोरेज और इस थ्योरी में बहुत ज्यादा दम भी लगता है क्योंकि हर बार एप्पल कुछ ना कुछ नया लेके आता है ताकि उसके आईफोन्स ट्रेंडिंग रहे, आईफोन्स में कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस हो। यहाँ पे वो टच आईडी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, नॉच नहीं हटा रहे हैं, तो यहाँ पे उनको कुछ न कुछ बहुत ही बड़ा करना था। और ये जो काम है लीक्स ऐसे बता रही हैं कि ये काम स्टोरेज के मामले में हो सकता है। यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है प्रॉपर 1 TB का स्मार्टफोन जो कि वाकई में काफी इनसेन होगा क्योंकि आज के तारीख में बेसिकली कोई भी पीसी बिल्ड करता है तो उसमें स्टोरेज होती है 1 TB की। अब आपको आईफोन में 1 TB की स्टोरेज देखने को मिलेगी और ये पॉसिबल भी लगता है क्योंकि 500 GB तक तो हम देखो ऐसे ही पहुंच चुके हैं तो 1 TB तक जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बात होगी इसकी प्राइसिंग कितनी रहेगी, प्राइसिंग क्या 2 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाएगी इंडिया में, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों अंत में डिस्प्ले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आया था काफी पहले ही। आईफोन 13 में हमें देखने को मिल सकता है 120Hz का LTPO डिस्प्ले जिसको सैमसंग ने मैन्युफैक्चर किया है। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या एप्पल आईफोन बेस वेरिएंट में 120Hz का डिस्प्ले ऑफर करता है। सो गाइस ये थी पूरी डिटेल अभी तक के आईफोन 13 से जुड़े हुए लीक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज यार लाइक कर देना वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।